जिसमें कलर ब्लैक ब्लू रेड भी मिल जाएगा, जिसकी प्राइस है जी 13। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज आपके लिए फिर से एक बार यामाहा R1M का रेप्लिका लेके आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में ये बाइक अवेलेबल है, और कलर स्कीम की बात करूँ तो कलर स्कीम भी बहुत ही ज़बरदस्त और हॉट फेवरेट मार्केट का ये कलर है। और मैं भाइयों को बताता चलूँ कि 200 किलोमीटर ये बाइक चला हुआ है और यूज बाइक है, और स्पेशली इसके अंदर जो है वो EFI बेस है, कार्बोरेटर नहीं है, और 2023 का मॉडल है, ऑल पंजाब इसको नंबर वगैरह भी लगा हुआ है। और इसकी फ्रंट लुक भी देखें, इसके DRL देखें, बड़े ही खूबसूरत इसके DRL है, और कंडीशन भी इसकी आपको जैसे हर बाइक की दिखाते हैं इसकी भी दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसके टायर से, और टायर देखें जैसे 0 मीटर बाइक होती है ना, उसी तरह ये देखें आपको बिल्कुल टायर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। किसी किस्म का इस पर एक माइनर सा भी निशान नहीं होगा, आप वीडियो में देखें या फिजिकली आके चेक करें तो 0 मीटर ले लें या इस बाइक को ले लें, ये एक ही बात है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन से। तो इसकी फ्रंट पे डबल डिस्क ब्रेक होती है, डबल कैलिबर पिस्टन के साथ। टायर साइज होता है जी इसका 110/70/17। इसमें भी थोड़ा सा आप इसको टायर साइज को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा करने की भी थोड़ी बहुत इसके अंदर ऑप्शन होती है। तो इसकी अब बैक साइड पर चलते हैं। बैक साइड पे आप देखेंगे तो सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाएगी आपको सिंगल कैलिबर पिस्टन के साथ। तो इसका बैक का टायर साइज देखें तो 150/70/17 का इसका बैक टायर मिल जाता है। तो इसकी बैक टेल भी एक डिफरेंट स्टाइल में आती है, और इसकी बैक लाइट भी बड़ी खूबसूरत है। इसमें डेवल आपको समझ लेंगे, डेवल आइस की शेप में आपको इसकी बैक लाइट देखने को मिल जाती है। इसके ये देखें ज़रा, हवा क्रॉसिंग के लिए इसके अंदर ये भी बहुत अच्छी एक स्पेस बनी हुई है कि अगर आप स्पीड पर जा रहे हैं तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा खासा हेल्प आउट करती है। सिटिंग पोस्चर भी काफ़ी इसका अच्छा है, रीजनेबल है। और इसका टैंक भी देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत सा एक टैंक इसका यामाहा R1M में आता है। यहाँ पर आपको मेटल मिल जाता है, यहाँ पर आपको फाइबर प्लास्टिक मिल जाता है, लेकिन इसके नीचे भी आपको मेटल मिलेगा, ये खूबसूरती के लिए इस चीज़ को बनाया गया। तो इसके अब मीटर भी देखते हैं और हैंडल बार भी देखते हैं। इसका मीटर आप देखें फुल TFT मीटर होता है, 248 किलोमीटर माइल्स शोर है, जितनी भी वर्ल्ड लेवल पे बाइकें चलती हैं माइल्स में लोग इसको काउंट करते हैं। तो इसके अंदर अब जो वो होता है किलोमीटर वाली ऑप्शन ख़त्म हो चुकी हुई है इन मॉडलों के अंदर। टाइम भी देखने की ऑप्शन मिल जाती है, RPM न्यूट्रल ऑटो इंडिकेटर पेट्रोल गेज हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे हैंडल बार की बात करें, बड़ी खूबसूरत हैंडल बार होती है R1M के अंदर। फुल ऑटो इंडिकेटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है, हाई लो की ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पे क्विल स्विच भी मिल जाता है, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन भी मिल जाता है। और इसकी बात करते हैं इसके शॉक, हार्ड एंड सॉफ्ट की इसके अंदर कौन सा ना ऑप्शन होती है। शॉक इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त शॉक इसके अंदर कंपनी यूज़ करती है, इसको समझ लें टॉप ऑफ द लाइन मॉडल होता है। किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कंपनी इन मॉडलों के अंदर नहीं करती। तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी होती है, इंजन की भी आप लुक देखते चलें बिल्कुल फ्रेश, किसी किस्म का कोई भी माइनर सा स्क्रैच भी नहीं है। इंजन अभी आपको इसकी 3 मंथ की वारंटी भी मिल जाएगी, और 2 ट्यूनिंग भी इसके अंदर आपको फ्री मिल जाएंगी। जोंगशोंग का कंपनी का इंजन है, 400cc है, वाटर कूल इंजन के साथ, और EFI बेस है। और जैसे कि मैंने आपको बाइक की कंडीशन भी दिखाई और इसके स्पेक्स भी बताए हैं, टायर साइज भी बताया है, मीटर भी दिखाया है, और इसकी जो लास्ट है इसकी लाइट भी आपको दिखाता चलूँ। लाइट भी इसकी बड़ी कमाल होती है जी, ये देखें इसका पास बटन भी बड़ा कमाल है। जितने भी रेप्लिका आते हैं उससे हर चीज़ इसकी डिफरेंट होती है। तो इसके अंदर रिमोट किट भी लगी होती है जिसके साथ आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं, सारे मामलात इसके अंदर होते हैं। जैसे व्यूवर्स आपको बताता हूं कि कोई भी बाइक परचेज करें, जब तक बाइक को फिजिकली चेक ना कर लें तो कोई इरादा ना बनाया करें। होता ही है कि आप ये बाइक डिसाइड करके आते हैं,
हमारे आउटलेट पे आते हैं, आपको कोई और बाइक सामने आ जाती है। ज़्यादा भाई इसी तरीके से चलते हैं, बाइक देखी बैना कर दिया तो ये बुक कर लिया। तो कोशिश किया करें कि पहले सोच विचार करें, फिर बाइक का बयाना करके उसको बुक करें। तो अब करते हैं इसकी प्राइस की बात। इसी बाइक के अंदर 0 मीटर यूनिट भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कलर ब्लैक ब्लू रेड भी मिल जाएगा, जिसकी प्राइस है जी 13,25,000। कैश पे जाते हैं, जिस पे आप कैश पे जाते हैं 5% डिस्काउंट हो जाता है 0 मीटर के अंदर। तो 60-40 वाले पैकेज पे जाते हैं तो 13,25,000। तो पहले इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं, फिर इसकी प्राइस और इंस्टॉलमेंट प्लान आपसे शेयर कर देते हैं। लेदो व्यूवर्स, बड़ा दबंग साउंड है इसका। 400cc है, EFI है, ऊपर से SC स्पेशल के एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बड़ा ही धुआंधार साउंड है। तो करते हैं इसकी प्राइस की बात। इसकी जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं जी, वो 11,80,000 रुपया न्यू बाइक से, समझ लें कि 1.5 लाख रुपये आपको सस्ती मिल रही है। 20,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन का भी बच रहा है, और फुल वारंटी भी मिल रही है, ट्यूनिंग भी इस बाइक के अंदर आपको फ्री मिल रही है। 11,80,000 रुपये का बाइक परचेज करेंगे तो 60% एडवांस आपको, यानी कि 7,08,000 रुपये एडवांस पेड करके ये बाइक आप मौके पे परचेज कर सकते हैं। तो अगर इसकी इंस्टॉलमेंट की बात करूँ, 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट बनेगी, 78,666 रुपये आपका महाना किस्त बनेगी। तो ये आपको 60-40 वाले पैकेज में मिल जाएगी। अगर आप कैश पे जाते हैं तो इस पे पूरा 5% डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी बाइक कॉमर्स करते हैं, पूछते हैं कि जी आपका मार्कअप के बगैर बाइकें देते हैं तो ये 5% वाला क्या इसमें चक्कर आ गया कैश के ऊपर। देखिए, अगर आप कैश पे जाते हैं तो 5% डिस्काउंट करके इस बाइक की वैल्यू हम आपको बना देते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं तो फिर हम इसकी वो जो इंस्टॉलमेंट की प्राइस होती है वो आपको कैश की सूरत में शुमार कर देते हैं। कल को आप इसको सेल करना चाह रहे हैं, कोई भी बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं, तो जो भी इंस्टॉलमेंट का पूरा प्लान होगा, जो प्राइस होगी, उसी पे ही आपके साथ बार्गेनिंग नेगोशिएबल जो भी मामलात होंगे वो फुल प्राइस पे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले भी वीडियो में कि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो स्टॉक अपडेट की आएगी उसके अंदर हम आपको इंशाल्लाह उसके अंदर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे उसके अंदर एक कुरंदाजी करेंगे, जिसके अंदर आपको गिफ्टिंग करेंगे, गिव वे का सीन चलाएंगे। तो अगर बाइक लेने में इंटरेस्टेड है तो नंबर मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।